कर रही है। नदियाँ ही नदियाँ हैं यहाँ, पुल के नाम नहीं है तो क्यों? साथ आप लोग हम लोग निकल पड़े हैं घूमने के लिए। किटी देखो ऐसा मन बना हुआ है। एवरीवन वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल एलो। छोटी सी रानी अन्ना की कहानी में एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम भी नेपाल में काफ़ी ही अच्छे हैं। और सवेरे सवेरे अब हम निकल रहे हैं काठमांडू के लिए, तो आप सब लोग भी हमारी जर्नी में बने रहें। यहाँ का 6 o'clock हो रहा है क्योंकि यहाँ की टाइमिंग और हमारे इंडिया की टाइमिंग में 35 मिनट डिफ्रेंस होता है। तो और ये हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी है, मम्मी पापा भी रेडी हो चुके हैं और हमें काफ़ी ही अच्छा लॉज मिला हुआ था। और यहाँ पर हमारी किटी पाई भी सो रही हैं, इनको हमें ऐसे ही लेके जाना है, रेडी तो कर दिया है। और इसी के साथ हमारा यहाँ से चेकआउट होता है। स्टिकर्स कर रही है, पतंग उड़ा रही है, काम चल रहा है रोड का। यहाँ पे पोखरा से काठमांडू जाते समय भी हमें काफ़ी पुल मिले, लेकिन इस जगह पे एक ही पुल का कोई भी नाम नहीं था। तो यहाँ पे इन लोगों ने सोचा कि आगे जाके क्या पता जगह पे नाम मिले, क्योंकि हमें पोखरा में सारे पुल के नाम आए। वो देखिए हिमालय किस तरीके से दिख रहा है, इस टाइम पे भी हिमालय इतना क्लियर दिख रहा था ना, तो हम लोगों को तो काफ़ी ही अच्छा लग रहा था। तो फिर कैप्चर करना तो बनता था। फिर उसी के साथ हमें रास्ते में एक और यहाँ पे झरना मिल गया था, ये इतना सुंदर था। यहाँ पे भी के लिए भी टिकट था, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को लेट हो रही थी, हमें काठमांडू टाइम से पहुँचना था। और इस वाली जगह का नाम था आरना, जो कि हमारी किटी बाई का नाम भी था। तो फिर हम लोगों ने इसे स्किप किया और फिर बाहर बाहर देख करके हम लोग आगे बढ़ गए। फिर क्या था, हमारी क्यूटी पाई को यहाँ पे भी देखिए किस तरीके की धूप लग रही है सर पे, अपना ये रख रखा, कह रही मुझे धूप लग रही है। हमने बोला बेटा बाहर तो धूप आ ही नहीं रही है। फिर जैसे तैसे समझाया तो उन्हें जो करना था उन्होंने किया। फिर यहाँ पे दो नदियों का संगम मिल रहा था, जो आधी ब्राउन हो रही थी और आधी व्हाइट हो रही थी। फिर हमने उसे भी कैप्चर किया और ये वाला पहाड़ दोबारा से इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि पूछे ही मत। तो कैप्चर करना तो फिर दोबारा यहाँ पे बनता था। इसी के साथ जर्नी में बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। लो जी, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और हम लोगों के चेहरे पे आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्माइल है। और उसी के साथ सभी लोगों को भूख लग गई थी, तो थोड़ा थोड़ा चेहरा सभी का उतरा हुआ था। फिर क्या था, हम लोगों ने सोया टाइमली पहुंच करके पहले हम लोगों का अपना रूम देख लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग कुछ खाएंगे पियेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट काफी लेट करा था। तो हम लोगों ने सबसे पहले सर्च किया रिंग रोड और हम पहुंचे रिंग रोड, क्योंकि हमें मंदिर के आसपास ही हम लोगों को अपना होटल लेना था, जो कि हम लोग
सुबह शाम दोनों टाइम पे मंदिर के दर्शन कर सके। तो फिर क्या था, उसी के साथ हम लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा होटल मिल चुका था। तो होटल की तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे इजीली होटल्स काफी अच्छे रेटों में मिल जाते हैं। लेकिन दिक्कत होती है पार्किंग की, और जब आप अपनी गाड़ी लेके जाओ तो पार्किंग की तो आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो फिर क्या था, हम लोगों ने वो होटल सिलेक्ट करा जिसकी पार्किंग हमें काफी ही अच्छी मिल जाए। तो आप लोग भी अगर अपनी गाड़ी से आए तो सबसे पहले पार्किंग देखे, क्योंकि रूम्स वगैरह तो यहाँ पे काफी ही अच्छे रेटों पे आप लोगों को मिल जाते हैं। और उसी के साथ मंदिर के सामने हम लोगों को होटल मिल गया था, तो हम लोग वैसे ही काफी खुश थे। तो फिर पार्किंग आप सभी लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी इतनी अच्छी पार्किंग थी कि हम लोगों को काफी ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी, और उसी के साथ साथ फिर क्या था, सब लोगों को भूख लगी थी क्योंकि लंच टाइम हो चुका था। और फिर क्या था, हम लोगों ने उसी के साथ जब तक का नवाब साहब यहाँ पर गाड़ी पार्क कर रहे थे, हम लोगों ने लंच ऑर्डर कर दिया था, और फिर लंच हमारा रूम पे ही आ चुका था। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से यहाँ पे थाली मंगवाई थी, क्योंकि काफी अच्छी थाली यहाँ पे मिलती है। और उसी के साथ फिर खा पी करके थोड़ा फ्रेश होकर के फिर से हम निकल पड़े साथ, आप लोग हम लोग निकल पड़े घूमने के लिए। देखो ऐसा मन बना रहा है। तो यहाँ से शुरुआत होती है मंदिर प्रांगण की। काफ़ी बड़े एरिया पे मंदिर है, यहाँ पे व्हीकल रखने का भी है, और नाना के डेरा मम्मी एंड पापा। ये पशुपति नाथ क्षेत्र विकास कोष, और उसी के सामने ये रहा मंदिर। यहाँ पे आप लोगों ने देखा मंदिर काफी ही विशाल एरिया पे फैला हुआ है, क्योंकि मंदिर बीचों बीच है और उसके चारों तरफ काफी ही चीजें हैं। और इस वाले मंदिर में आने के लिए, पशुपतिनाथ मंदिर में आने के लिए स्पेशली काफी ही द्वार हैं। तो हम लोग रिंग रोड साइड से आए, क्योंकि हम लोगों का होटल वहीं पे था। और यहाँ पे की नक्काशी देखिए, इतनी पुराने टाइम की नक्काशी थी कि हम लोगों से तो रहा ही नहीं गया। और क्यूटी पाई भी बहुत ज्यादा खुश थी कि डैडा देखिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो सभी लोगों ने हमें बताया था कि इस टाइम पे यहाँ पे आरती शुरू होती है, तो हम सबसे पहले गए आरती वाले एरिया पे। तो यहाँ पे देखा कि काफी ही भीड़ लगी हुई थी, लोग ऊपर ऊपर तक का यहाँ पे चढ़े हुए थे देखने के लिए, बैठे हैं लोग आरती के लिए। अच्छा, लोग ऊपर भी गए हैं देखने के लिए। यहाँ पे आरती शुरू होने में काफी टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि पहले हम मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा बैक साइड पे आना पड़ा, और फिर उसके लिए शूज वगैरह रखने के लिए भी काफी बड़े एरिया पे इन लोगों ने बनाया हुआ था। तो हम लोगों ने पहले वहाँ पे शू वगैरह रखवाए, और उसी के बाद ये था हमारा मंदिर का मेन गेट। फिर हम लोगों ने एंटर करा यहाँ पे, और उसके बाद हम लोगों को भी काफी ही कुछ देखने को मिला इसके बाद भी, जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वीडियो में बने रहे। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के मेन गेट पे। देख सकते हैं श्री पशुपतिनाथ मंदिर यहाँ पे लिखा हुआ था, और अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो जितनी भी फोटोग्राफी थी यहीं से शूट करनी थी। तो हम लोगों ने जितना हो सका वो यहाँ पे बनाई, और आप भी देखिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने मंदिर के दर्शन करे, फिर हम लोग आ गए मार्केट साइड पे। तो यहाँ पे जैसे हम ऊपर थोड़ा सा आए, तो यहाँ पे इन लोगों की पूजा स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इस दिन इन लोगों का कोई फंक्शन था, तीज का फंक्शन था या कोई एक फंक्शन था, जिसके लिए यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही थी। और इन लोगों का प्रसाद जी महाभोग मैं आप लोगों को जल्दी दिखाऊंगी, उसके लिए देखिए। और यहाँ पे बीन बाजा जो भी था इन लोगों का वो चल रहा था, और उसी के साथ यहाँ पे देखिए इन लोगों का प्रसाद किस टाइप से बना हुआ है। और सबसे ऊपर इन लोगों ने फिश रखी हुई है, क्योंकि ये लोग इसी चीज़
उसको सबसे ज्यादा मानते हैं शायद। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए स्टेयर्स बनाए हुए थे जो हमें काफी ही अच्छा लगा, और हम लोगों ने भी फिर ये करा और उसके बाद यहाँ पे सिली हमने कैब और फिर पहुंचे हम मार्केट पे, जो कि सब लोगों ने बताया कि वाली मार्केट चाहिए, वो मार्केट आपको सबसे सुटेबल रहेगी। फिलहाल तो मार्केट के नेम ऐसे थे कि हम लोगों को याद ही नहीं रहा, लेकिन दूरी पर ही मार्केट था तो हम लोग फिर वहाँ पे गए। वहाँ पे भी यहाँ पे मंदिर काफी थे, वैसे नेपाल में आपको जगह जगह काफी ही मंदिर मिल जाएंगे और काफी कुछ अच्छा उनको एक्सप्लोर करने को भी मिल जाएगा। रात के 8 बजे हैं और मंदिर का नजारा कुछ इस तरीके का है। यहाँ से भी सभी लोग सामान वामान ले चलते हैं, बल्लू चलो ले लेते हैं। और यहाँ पे गंदे चूड़े और किटी पाई को मिल गया बल्लू। जब तक हम लोगों ने मार्केट एक्सप्लोर करी तब तक पापा लोगों ने आरती पूरी ही एंजॉय करी, और यहाँ पे देखिए पापा मम्मी कितने ज्यादा खुश है। तो इसी के साथ जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में काठमांडू की, तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।